आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। अपेक्षा पूर्ति के लिए रुद्राक्ष धारण करें। पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष देवी देवताओं की कृपा की वर्षा करता है। यह बीज रत्नों में भी कहीं बेहतर है, क्योंकि इनके सपरिणाम नहीं होते और ये जैवीय ऊर्जा एवं आध्यात्मिक शक्ति से परिणाम देते हैं। अपनी समस्याओं और उद्देश्यों के अनुसार रुद्राक्ष का चयन सरल है। इसके लिए सिर्फ विभिन्न मुखी दानों के कारण गुण जानना जरूरी है। आप समान मुखों के कई रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या अलग अलग मुखी दानों का संयोग। उदाहरण के लिए, यदि आप मन एकाग्र नहीं होता अथवा केंद्रित नहीं होता, यानी कि चित ज़्यादा ही चंचल रहता है, तो आप चतुर्मुखी की माला धारण कर सकते हैं और नेपाली 27 दाने या इंडोनेशियाई छोटे 108 दाने, इसी प्रकार की आप सप्तमुखी, अष्टमुखी और द्वादशमुखी का संयोग पहन सकते हैं, जिससे कि व्यापार में या नौकरी में उच्च पद मिलकर धन लाभ हो। सप्तमुखी दाना लक्ष्मी जी को, अष्टमुखी दाना गणेश जी को और द्वादशमुखी दाना सूर्य को समर्पित है और इनका संयोग अमाप ऊर्जा वे कार्य शक्ति प्रदान करता है। अपेक्षा पूर्ति के लिए रुद्राक्ष समाप्त। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।